विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंजन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा सोमवार का विभाग के कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक लीन। इस दौरान अलग अलग विकास कार्यन के समीक्षा कीन गए। आयोजित समीक्षा बैठक के संबंध में अजय मिश्रा बाबा कहिन के हम पहले तय किए रहन के हर 2 महीना में काम के समीक्षा करब। अपना पंजन का बताए दे कि महापौर शपथ लिहे के बाद से अभी तक 40 करोड़ से अधिक के काम के टेंडर कराए चुके हैं। बताई दी कि 45 वार्डन में काम चल रहा है। आई सुनीत हैं अजय मिश्रा बाबा समीक्षा बैठक के दौरान का जानकारी दी नहीं। देखिए, ये समीक्षा बैठक हम लोगों का नियम था कि महीना 2 महीना में एक बार करेंगे और 1/8/2022 को जब हमने शपथ लिया उसके बाद हम लोगों ने अभी तक निर्माण के 40 करोड़ के टेंडर कराए 45 वार्डों में। हर जोन की समीक्षा बैठक हमने आज इसलिए की थी कि किन वार्डों में निर्माण कार्य चालू हो गए, किन वार्डों में कार्यादेश हो गए, अभी उन्होंने कार्य किया या नहीं किया, कार्य की क्वालिटी कैसी है और निर्माण कार्य में कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा। एक तो ये थी बैठक में। दूसरा, हमारा रेवेन्यू की वसूली अच्छी हुई। 4 तारीख को, जो पिछले 4 तारीख को हमने सिविल लगाया था इसी महीने में, तो उसमें हमारा 65 लाख के लगभग आया था और इस बार भी हमारा 24 तारीख को भी 65 लाख के लगभग आया। मतलब 24-25 दिन में 1.5 करोड़ की वसूली अपने आप में एक मायने रखती है नगर निगम में। उस पर हमारा फोकस था, कंपाउंडिंग पे फोकस हम लोगों ने किया कि BIO BO जो हैं ये कंपाउंडिंग कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, नक्शा के विपरीत निर्माण हो रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। जल विभाग की भी बैठक थी, 158 करोड़ की हमने अमृत 2.0 पे योजना बनवाई है 2032 तक की, जिसमें पहले तो 14 टंकियां थी उसको घटाकर 10 कर दिया गया है, और 600 किलोमीटर पाइपलाइन है, 2 फिल्टर प्लांट है, एनीकेट है। मतलब अगर उसका टेंडर हमारा जनवरी में फ्लोट हो गया तो आप ये मान के चलिए कि अगले मार्च अप्रैल 2024 तक में रीवा के हर घर में 4 घंटे से कम शुद्ध पानी नहीं आएगा। ये व्यवस्था लगे हैं। वार्डों की नालियां हैं, पार्क हैं, स्ट्रीट लाइट है, बिजली की समीक्षा बैठक की, इस तरह करके पूरे जितने भर नगर निगम से संबंधित कार्य सारी समीक्षा बैठक हम लोग कराई है और उसके परिणाम अच्छे निकल रहे हैं। अभी 5 महीने का कार्यकाल हमारा दिसंबर से ख़त्म हो जाएगा और बाबा महामृत्युंजय ने चाहा तो 4.5 साल हमारे पास बचेगा। हम एक रीवा को स्वस्थ, सुंदर, सुव्यवस्थित, सुनियोजित रीवा बनाने की पहल में चल रहे हैं और उसमें हम रीवा की जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। देखिए, 150 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ पर व्यवस्थित ढंग से खर्चा नहीं, जिसके कारण 8 वार्डों में जो भी पानी जा रहा है वो दूषित, मैला, गंदा, बदबूदार पानी जा रहा है। अब हम लोग जो ये 158 करोड़ की योजना ले आ रहे हैं उसमें 65 किलोमीटर तो हम गंदे पानी की पाइपलाइन को भी चेंज करने के उसमें प्रावधान रखे हुए हैं। बहुत जल्दी आपको जैसे ये टेंडर होगा तो टंकियां बनने लगेंगी, गंदे पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ये सारी व्यवस्थाओं को हम ठीक करने में लगेंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। नहीं देखिए, एक तो अमला कम है उसके कारण दिक्कत हो रही, दूसरी एक बहुत गलत प्रथा थी शुरू से ही, जो अवैध कॉलोनियाँ थीं तो उसके नक्शा पास कर देते थे, उनसे संपत्ति कर ले लेते थे, वो प्रथा एक बढ़ गई जिसके कारण आज 125 सुपर अवैध कॉलोनियाँ रीवा में हो गई, ये बड़ी समस्या हो गई। उस समस्या के कारण ये सब दिक्कतें आईं। अगर अवैध कॉलोनियों का उसी समय जब ये चालू हुआ था और रोक लगा दी गई होती तो आज ये समस्याओं का समाधान हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता। समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश सहकार भारती के संभागीय बैठक रीवा के स्टार होटल में आयोजित कीन गए, जेमा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन प्रमुख राकेश सिंह चौहान के मार्गदर्शन संगठन के लोगन का मिला। अपना पचिन का बताए दे कि संगठन के काम सहकारिता के क्षेत्र से जुड़ा है और संगठन के जिला उपाध्यक्ष सुधीर मिश्रा बताएं कि अगर कौनो किसान के साथ कौनो मेर के परेशानी होती तब तुरंत उनसे संपर्क करें। समाज है आराध्य हमारा, समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना, भारत माता के वैभव, भारत माता के वैभव।
रीवा नगर निगम के शांति विहार कॉलोनी में बिल्डर के द्वारा सार्वजनिक टैंक पर कब्जा कई के पार्किंग बनावे के मामला प्रकाश में आवा रहा। यहां रहे वाले लोग महापौर अजय मिश्रा बाबा से मिलके शिकायत दर्ज कराई है। अपना पंचन का बताए दी कि आसपास के लोग बताएं कि बिल्डर बाबू लाल सिंह द्वारा कॉम्प्लेक्स बनावा गया है। कॉम्प्लेक्स बनाए के बाद बिल्डर सार्वजनिक टैंक पर कब्जा कर लीस। इतने ही नहीं, जौन जमीन उनखर रही ओ पर त निर्माण करौबे भा। जौन राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन रही ओह पर अतिक्रमण करके पार्किंग बना लीस। आसपास के लोगन की शिकायत पर महापौर कहिन के जौन अधिकारी का निर्देशित कर दिन का है और जल्द ही टैंक और अतिक्रमण कीन गए जमीन का मुक्त करावा जाए। वही एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसने सरकारी टैंक में कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर पेवर ब्लॉक वगैरह लगा दिए हैं, तो कॉलोनी वासियों का जो सीवर लाइन का पानी है वो तो पूरा जाम हो जाएगा, सीवर की पूरी समस्या ही खड़ी हो जाएगी नए सिरे से। तो ये गलत है इसी संदर्भ में, और उसके चारों तरफ भी अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ जो कि सरकारी है। महापौर जी ने क्या आश्वासन दिया? और निर्माण भी जो हुआ तो वो मापदंडों से विपरीत हुआ है। महापौर जी ने क्या कहा जब आप लोगों ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि महापौर जी ने तो आश्वस्त किया है कि हम उस समस्या को दूर करवाएंगे। महापौर जिसे शांति विहार कॉलोनी के आम जनों के साथ में एक चर्चा की गई और उनसे ज्ञापन दिया गया है। शांति विहार कॉलोनी जैसे प्रवेश करते हैं उसी के बगल में एक बिल्डर बाबूलाल सिंह जी द्वारा एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है, हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक सार्वजनिक टैंक बनाया गया था, उस टैंक में भी कब्जा कर लिया गया है, और जितनी उनकी ज़मीन थी उसमें तो कंस्ट्रक्शन कर लिया। NS की ज़मीन में उन्होंने अनाधिकृत कब्जा करके पार्किंग आदि बना लिया है, और जिससे क्या है कॉलोनी में जब भी बाढ़ आती थी तो वो पानी निकल जाता था, अब उनके कारण उन्होंने ऊंचा कर दिया है तो पूरा कॉलोनी बैक प्रेशर मार के कॉलोनी में जाएगा। इन समस्याओं के लिए शांति विहार कॉलोनी के सभी लोग हस्ताक्षर करके महापौर जी से 50-60 लोग मिले, उनसे चर्चा हुई। महापौर जी ने कहा है कि जो भी नियम के विरुद्ध कार्य हुआ है उस पर एक्शन होगा और अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा। अभी भी काम जारी है पार्किंग का? कल तो जारी था, कल हम लोगों ने सभी लोगों ने देखा भी था और उसकी फोटोग्राफी भी हुई थी, महापौर जी को बताया गया, आयुक्त महोदय को बताया गया, और इसमें देखते हैं शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ये जानकारी हमें कल हुई है और उसके लिए मैंने जोन प्रभारी को भी बोल दिया है और जो अतिक्रमण के लोग हैं उनको भी बोल दिया है कि जो सेप्टिक टैंक है वो सार्वजनिक है, उसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होगा और उसके ऊपर कोई पार्किंग भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस है, कभी भी उसकी छत गल गई होगी, पुराने है, गिर सकती है, उससे कोई जनहानि हो सकती है, इसलिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना कराया जाएगा और उसको खाली कराया जाएगा। खबर रीवा जिला से ही, जहां रेड क्रॉस में लागे वाले मेडिकल बोर्ड के इंतजार में सवेरे से दूरी से आए लोग परेशान होते रहे। लगातार यह मेयर की शिकायत आए के बाद हमारी टीम मौका में पहुंची और उहन के जायजा लीस। तो उहन से जौन तस्वीर सौहे आई ही ओखा देख के अपना पचे अनुमान लगाए लेब के कौन मेयर से निसक्तन का परेशान होए पड़त रहा है। नमस्कार, में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एक खबर आपके पास प्रकाशित करना चाह रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ रेड क्रॉस में, आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मेडिकल बोर्ड लगता है हर सोमवार, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सुबह से भी कोई डॉक्टर अभी तक यहाँ पर आए नहीं, काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है और काफ़ी दूर से यहाँ मरीज आ रहे हैं। मैं उन मरीजों से ही जानना चाहूँगा कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। यहाँ पर फंसे माता जी छठी, माता जी बताइए आप यहाँ कितने बजे से आए हैं, कहाँ से आए, किस तरह की समस्या आपको? अभी तक डॉक्टर नहीं आए, आप बता रहे हैं 6 बजे ना यहाँ पर बोर्ड लगा, ना यहाँ पर कोई लिस्ट है, ना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? काम पता किस्तीदार आटो बार आया, अगर किस्तीदार नहीं अगर काम होता नहीं है, डॉक्टर आवास नहीं यहाँ। ऐसे कई मरीज अपने पास यहाँ पर परेशान हैं। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इधर मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह भीड़ लगी हुई है। यहाँ सुबह से ही डॉक्टर नहीं है, मैं जा रहा हूँ दिखाइए, यहाँ सुबह 6 बजे से डॉक्टर नहीं, ना यहाँ पर कोई लिफ्ट है, ना ही यहाँ पर कोई
बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आइए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। क्या समस्या थी आपको, क्या यहाँ पर दिखाने आया? पिता जी को लेके आए हैं, क्या यहाँ डॉक्टर अभी तक नहीं आए? अभी डॉक्टर नहीं आए, कितने बजे डॉक्टर नहीं है? सुबह से बोला गया बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तक वेट कर रहे हैं। तो यहाँ ना कोई लिस्ट भी नहीं है, ना कुछ भी? हाँ, ना कुछ, कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही प्रॉपर कि आप चिपका दें बाहर, कितने बजे कौन डॉक्टर बैठेंगे, तो अपना दूसरा काम करते हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? जी हम मनगवा से आए हैं। मनगवा से? और भी काफ़ी दूर दूर से यहाँ मरीज आए हैं। जी जी, हमारे को पहचान के आए हुए हैं मोबाइल से, हनमना से। सभी को परेशानियों का सामना करना है? सभी को यही सबसे परेशानी है। यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड लगता है, लेकिन यहाँ सुबह से ही 6 बजे से डॉक्टर गायब हैं। अब रिपोर्ट ना कि यहाँ कोई अधिकारी मिल रहा है, ना कोई इस चीज़ के बारे में बताया। रीवा जिला में चोर उचक्कन के हौसला इतना बुलंद है कि दिन दहाड़े लूट चोरी के घटना का अंजाम दे के पुलिस का खुली चुनौती दे रहे हैं। अपना पंचन का बताए दी कि बीती रात 3 सातिर बदमाश रुपया छीन के भागे के कोशिश की, जेखा आस पास के लोग पकड़ के धुनाई की। मौका से भाग निकली, कुछ दूरी में जाए के मोबाइल छीनिन ता आस पास के लोग पकड़ के पुलिस के हवाले के दिन। बताबा जात है कि मौका पर पहुंची पुलिस के द्वारा तीनों आरोपी का हिरासत में लेके पूछताछ की जात लागी। पूर्व मामला घोड़ा चौराहा के बतावा जात लाग है, और सुनाई थे स्थानीय लोगन का के का जानकारी दीन है। कौन लोग हैं ये लोग? का नाम पता नहीं है। पहले ये लड़का बीच वाला होली में काम कर, होली में चोरी किया, पैसा जेब से निकाला 6,000 रुपये एक लेबर का, तो वहाँ मार खाए हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल चोरी किए हैं और पैसा ऑटो वाले छीन रहे थे, तभी ये घर पकड़ में पकड़ गए। कितने लोग थे ये लोग? तीन लोग हैं। तीन लोग, अभी पुलिस वाले ले गए पकड़? हाँ, पुलिस वाले ले गए, पता नहीं सिटी कोर्ट वाले गए सिविल लाइन के। सतना जिला के थाना रामनगर के अंदर आवे वाले गांव देवराज नगर में बिजली के तार लगावे के खातिर खुद के खेते में बिजली के पोल खड़ा कर रहे लड़का के सिर में बिजली के पोल गिर गया, जेमा लड़का के मौके पर मौत हो गई। बताई दी कि यह घटना रामनगर के देवराज नगर गांव की आए, मौका पर पुलिस पहुंची और जांच में लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा का एक दिवसीय नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग आज शहर के वृंदावन गार्डन छिड़िया में सम्पन्न भा है, जेघर श्री गणेश 10:15 पर कीनगा। इस समारंभ समारोह में रीवा जिला के विधायक और सांसद मौजूद रहे। यह दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा विधायक सांसद का पुष्प गुच्छ दई के सम्मानित कीनगा। आई दिखाई थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का जानकारी दी है। नगरी निकाय जन प्रतिनिधि जिला प्रशिक्षण उद्घाटन सत्र के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस अवसर पर उद्घाटन सत्र के अवसर पर हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हमारे रीवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे मनगवा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, हमारे सेवरिया विधानसभा के लोकप्रिय युवा विधायक मित्र केपी त्रिपाठी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री बड़े भाई आदरणीय राजेश पांडे जी, और यह जो हमारा जिले का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो रहा है, इस प्रशिक्षण वर्ग संचालन समिति के प्रमुख जिले के मंत्री अशोक सिंह गहरवार जी, यहाँ मंच के सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रानी अर्जुन सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जो कि आज इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, हमारे
रीवा जिले के सभी 12 नगर पंचायत और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके विधानसभा बाल प्रशिक्षण संपन्न हुए। आज यह प्रशिक्षण हमारे नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का है। इस प्रशिक्षण वर्ग के मामले मैं कहना चाहूंगा कि इसके दो भाग हैं। एक तो यहां से जो हमें विषय प्रवर्तकों के द्वारा भाषण के माध्यम से जो हमारे बीच विषय रखे जाएंगे, आप लोगों के पास यह एक पैड है, इस पैड में सारा दिनक्रम दिया हुआ है। पहला सत्र हमारा भाजपा विचार कार्य पद्धति हमारा समन्वय, ऐसे ही लोक व्यवहार, सोशल मीडिया, भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, अंत्योदय से नगरोदय और बढ़ता भारत बढ़ता मध्य प्रदेश, हमें इन विषयों पे हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे आज के जो विषय प्रवर्तक हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर प्रशिक्षण वर्ग की सार्थकता सिद्ध तब होगी कि हम जब भी हमारे सत्र चले उन सत्रों में यहां से हमें जो भी बताया जाए, जो भी हमारे विषय प्रवर्तकों के द्वारा विषय रखा जाए, उसे हम पूरे मनोयोग के साथ सुनने का प्रयास करें। एक आग्रह और रहेगा कि हमको यह जो पैड मिला है, यह पैड सिर्फ हमारे सुंदरता की वस्तु या सिर्फ उस फाइल में डले रहने के लिए नहीं है। यहाँ जब भी सत्र चले तो हम लोग इस पैड का उपयोग करें। कई ऐसी चीजें आएंगी, कई ऐसे विषय आएंगे जिनको अगर हम नोट करेंगे तो हमारे लिए उपयुक्त होगा। पहला हिस्सा जो होगा हमारा वैचारिक का, दूसरा हिस्सा हमारा है कि प्रशिक्षण यानी प्रतिक्षण। आप जब से पंजीयन आपने किया और पंजीयन करने के बाद अंदर आए, तब से आपका प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तब से आप देख रहे होंगे कि अभी सत्र के पहले फिसल बजी तो अल्पाहार का समय है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी और क्षण क्षण जैसे इस सत्र के बाद अगला सत्र इस दिन क्रम में है, तो यहां से बुलाना ना पड़े, हम स्वयं ही उससे 2 मिनट पहले अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं, यह एक अनुशासन भी होना चाहिए। आज खातिर इतने, बघेली मां बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।